कल भी असी सुखमनी च पढ़िया सी कि अंकार जिहड़ा है धार्मिक कर्म करदे ते होर ज्यादा वध जांदे। कल भी असी विचार कीती सी। तो हुण कहिंदे कि हमें जे बड़ा डूंघा रोग है इलाज कित्थे है, कहिंदे इहदे विच ही इहदा इलाज है। इहदे विच इलाज किवें है? हों ते मैं, हौमें दो शब्दों का संयोग है, हों ते मैं दा। हों ते मैं, हों दा अर्थ हों भी अहम तो बनिया ते मैं भी अहम तो बनिया, मैं प्लस मैं हौमें दा अर्थ है। मैं होर कोई नहीं, मैं। हुण गुरु जी कहिंदे ने कि अपने अस्तित्व की ठीक समझ, जिहड़ा ये कहिंदे ने कि हौमें दे विच इहदा इलाज है, वह कहिंदे इस मैं नूं ते समझ ते सही मैं नूं, जे तू अपने अहम नूं ठीक समझ लवेगा इलाज हो जाएगा। किवें इलाज हो जाएगा जी? इलाज इस तरह हो जाएगा कि मैं समझदा हाँ कि मैं हरभजन सिंह हाँ, और मेरे को यह पोस्ट है, मेरे को यह भैन भरा ने, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे बच्चे बड़े चंगे ने, और मैं बड़ा उच्चे पौधे ते हाँ, तो मैं ये हाँ तो वो हाँ। ये हौमें है, ये मैं है, मैं नूं समझिया नहीं, ये मैं नूं समझने वाली गल नहीं है, ये मैं अपने आप नूं समझिया ही नहीं। जे मैं अपने आप नूं समझदा तो समझ ये आनी सी कि पहला तो मैनू इत्थे भेजिया किन्ने, मैं इत्थे आया क्यों हाँ, बाणी भी तो आया यही दस्या ना फिर तू आया की लैण इत्थे जगत विच, तू क्यों आया जगत विच, ये समझना सी कि मैं क्यों आया जगत विच। फिर जे मैं अपने आप नूं समझदा, अपने मैं नूं समझदा, तो मैनू ये समझ आउंदी कि मेरा तो जिहड़ा शरीर है ये कच्ची मिट्टी है, ये तो रहण वाला है नहीं। फिर जे मैं होर समझदा, मैं कहिंदा कि जिन्हां नूं अपने रिश्तेदार संबंधी कह रहा वा ये ना नाल आए ने ना जाणा। जे मैं होर अपने आप नूं समझदा तो मैं कहिंदा भी ये जिहड़ियां पदवियां पदवियां ने पहला सन नहीं तो इन्हां ने कल नूं रहना नहीं, कल नूं रिटायर हो गया तो किसे पुछना भी नहीं। अपने आपे नूं समझिया समझण विच हौमें दा इलाज है। अपने अस्तित्व नूं समझना, मैं की हाँ, मेरी होंद है की, मेरी होंद का आधार कौन है, कित्थों आया हाँ, कित्थे जाना है, जगत नाल की संबंध है, रिश्तेदारां नाल की संबंध है, तो मेरा असल संगी साथी कौन है। ये मैं नहीं समझी है ना, बाप भी समझ नहीं है, किसी दूजे की समझ तो नहीं, अपनी समझ है। ये भाव है दारू पी इस माह, कोई बहुत औखा काम नहीं, सिर्फ ये वेखन की लोड़ सी भी हौमें बहुते व्याख्याकार नहीं समझाया, इस पद की समझ नहीं आई, एवें व्याख्या एक सरसरी जी करके वो अगे निकल गए। तो गुरु जी कहते ने हौमें विच बंदा फसया होया है, तो जे ओ विवेकी हो के गुरु दे ज्ञान विच अपने आप नूं ठीक समझ लवेगा तां ओ ये जिहड़ा संसार है इहदे विच जीवदियां ही मुक्ति प्राप्त कर लवेगा। जिहड़ी साडी स्थिति है वह होर फसण वाली है, असीं होर फसते हाँ, जितना यतन करदे हां छुट्टण दा उतना ही फसते हाँ, जितना यतन करीदा चंगे बन जाइए धार्मिक हो जाइए उतने ही असीं धार्मिक हुंदे जांदे हां। गुरु जी सूत्र दसदे ने छुट्टण दा कि जिहड़ा जिहड़े रस्ते तू अपनाए ने इन्हां तों तां छुट्टेगा नहीं, इह तां बंधन दा कारण ने। जिहड़े बाहरले पूजा पाठ कर्म हन इह तां संसार दी कार विहार है, इहदे विच बंदा जिन्ना लिप्त होएगा उतना ही फसदा जाएगा। छुट्टण दी विधि दस दित्ती कि ये जिहड़ा हरिमंदर रूप शरीर है इसनों तू हरि दा मंदर समझ के अपनी निर्मल होंद नूं पहचान, अपने निर्मल अपने पावन अपने पवित्र अस्तित्व नूं समझ, ते तेरा इस हौमें दा इलाज हो जाएगा। बहुत सारे धार्मिक जिहड़े अडंबर ने असीं करदे सां बड़े वख वख रस्ते ते चल के
इस तरीके ना धर्म मिले, इस तरीके ना सदगति मिले। उन्हां दी निरर्थकता भी आसा दी वार विच लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया, बहु तीर्थ भवियां ते तू लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सौ वे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया। कहिंदे अकाल पुरख कल भी पढ़ रहे सन, जे पहली गाली जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए। इतनियां अनमोल चीजां परमेश्वर ने दे दित्तियां, इत्थे साडे स्वाद वास्ते सन। हाँ, स्वाद विच लिप्त नहीं सी होना। तो कहिंदे जिन्हें ये छड्ड दिता, अनाज नहीं खादा, कहिंदे किहड़ी प्राप्ति कर ली, स्वाद छड्ड दिता। वाहिगुरु जी ने भोग पदार्थ जिहड़े सन बख्शिश किते सन, उन्हें साडे वास्ते पैदा किते सन, उन्हां दा त्याग कर दिता। बहुत दुख पाया दूजा पाया, दुख बड़ा पाया फसिया माया वो विच ही रहा, दूजे प्रेम में ही माया दे प्यार ची फस गया। वस्त्र न पहरे ऐ नि सकरे, दिन रात ही दुखी है। मौनी भी गुत्ता, मौन व्रत धारण करने वाला कहिंदे वो भी कुराए पै गया। गुरु जी ने यह दृष्टि दी है कि यह जुबान परमेश्वर ने बोल चाल वास्ते दी है, चंगे बोल बोलन वास्ते दी है, अमृत बोल बोलन वास्ते दी है। हुण जे कोई बोले ही ना तो फिर तो यह हो गया ना कि रब ने जबान ही कहनू दी, कोई गलती रब ने की। जे मौनी रहन विच भला सी, परमेश्वर ने जुबान क्यों दी? उसने जे जुबान दिती तो तैनू लगता निरर्थक है, तो यह मतलब रब ही फजूल कर्म करता है। रब ने बंदे की कृति ही ठीक नहीं बनाई, बंदा ठीक नहीं बनाया उसने। तैनू ज्यादा पता है बंदा किवें दा होना चाहिए सी, परमेश्वर नहीं सी पता। तो गुरु जी कहते ने मौनी विगूता उल्टराए पै गया। क्यों जागे गुरबिन सुता, गुरु तो बिना जागेगा किवें? ये सौ गया गूढ़ी नींदरे, नींद का दी आ गई है, माया दी आ गई है, होमे दी आ गई है। पग उपे ताना नंगे पैरी चलता है, अपना किया कमाना, अलमल खाई सिरशाही पाई, कितने असी खुश होंने जी है तो गंदगी खाता है। इनू तो साफ सफाई किसी चीज की साधु बिरती है कुछ है ही नहीं। सत अलमल खाई सिरशाही पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई, तो मूर्ख सी, इन समझ ही नहीं आया मानव जन्म किवें जीवना है, जीवन का सलीका ही नहीं आया इस। मूर्ख अंधा पत गवाई, वे नावें किस थाए न पाई, रह बेबाणी जंगलों में चला गया, मड़िया मसाणा में मड़ी मसाणी, अंध ना जाने फिर पछतानी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हरि का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नह केवल हौ मैं शब्द जलाए। कहिंदे की लोड़ सी इतना कुछ, इतना अडंबर करन दी, इतने दुख सहन दी, नंगे पिंडे रहन दी, जंगलों में रहन दी, मड़ी मसाण में जाके सिर विच सुआ पाण दी, केड़ी लोड़ सी? केड़ी लोड़ सी कि तू इतने स्वादले पदार्थ छड़दा, इहदी लोड़ की सी? कहिंदे करना तो यह सी, आसा तो अंदेशा, इन्हां तो अपने आप नूं निर्लेप रखना सी, आशावां नहीं सन रखियां। जे पदार्थ स्वादला आ गया तो छड़न की लोड़ नहीं, जे अज नहीं प्राप्त होया तो तरसन की लोड़ नहीं। गुरु नानक साहब पहली उदासी तो बाद जो तलवंडी गए, राय बुलार जी को गए, राय जी ने कहा कि बड़े दिनों बाद आए हो, बड़े मिलके बड़े प्यार नाल बड़ा आनंद होया। कह लगे कि नानक मिठा खाओगे सलोना, जे मिठा खाना है मिठी वस्तु बनाइए, सलोना खाना है सलोनी वस्तु बनाइए। गुरु जी ने कहा राय जी काई फरमाइश नहीं, देखो ये सिद्धांत है, कोई फरमाइश नहीं करनी, कोई मंग नहीं साड़ी, जो रब दे पाने में प्राप्त होएगा वो ही छक लवेंगे। मिठा मिल गया मिठा छक लांगे, सलोना मिल गया सलोना छक जाऊंगे, जेड़ी चीज प्राप्त होगी मन की ख्वाहिश कोई नहीं। तो पदार्थ का स्वाद नहीं सी छड़ना, मन की ख्वाहिश नू रोकना सी। गुरु जी कहिंदे आ सारे तुसा मिलके कोई मोहनी रहा, किसी ने नाच छड़िया, किसी नंगे पैरी चलिया, किसी ने तन दे वस्त्र उतारे, कहिंदे सारिया चीजां दी किसी की लोड़ नहीं सी, अपने मन नू काबू करन दी लोड़ सी। मन दियां ख्वाहिशां रोक के तुसी धर्म नू प्राप्त कर सकदे सी, परंतु इतना यत्न करके भी तुहाडे मन दियां ख्वाहिशां रुकियां नहीं, इस करके इन्हां कर्मां विचों कुछ प्राप्त होया नहीं। जेड़ी उस वेले दे समाज का पतन होया होया है, लव पाप दुराजा मेहता कूड़ होवा सिकदार, और ये हर समय की समस्या है।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। 10 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਯਤਨਪੂਰਵਕ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉੱਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਉਤ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੈੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਲਵ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮਨੇ ਵਿਸਲ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਲੋਟੂ ਹੈ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਧਾ ਗਾਵੇਂ ਜੋਧਾਂ ਕ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ, ਹਿਕਮਤ ਉਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੇਂ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ, ਰੂਲਰ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਥ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਹੈ,
माड़े मोटे बंदे दे घर थोड़ा प्रशादा छकेगा, उन्हें भाई लालो दे घर थोड़ा जाना। वो तो धनी लोग जेडे लोग हवाई जहाज की टिकट भी दे दें, भेटा भी चंकी दे दें, घर छकन छकान वास्ते, छकन छकान तो बाद जेब बिच भी कुछ पा देने घर जाएगा, माड़े बंदे दे थोड़ा घर जाएगा। तो उस वेले जेड़ी गंढ संड है वह लोग गुरु जी ने निशानदेही की है, कौन प्रजा का शोषण कर रहे हैं? कहते रूलर कर रहा है, कि राही कर रहा है, उन्होंने लोगों जेड़े जबर से जुल्म का शिकार, जेड़े धार्मिक कट्टरता के कारण, धार्मिक भेदभाव के कारण जबर जुल्म का शिकार हुए ने, उन्हों की रक्षा करने वाले जेड़े खत्री ने, उन्हों की गंढ संड कारण मार खा रहे हैं, वो अपनी भरावां दा गला कट रहे ने रूलर दे हुकम ते। तो वो अधिकारी जेड़े के जिन्होंने पॉलिटिशन ना गंढ संड कीती है, जेड़े खत्री सन अधिकारी सन, कोई दीवान हुंदा सी, कोई कमांडर बनाता फौज का, नौकरियां उच्चे पदां ते हुंदे सन, अज भी स्थिति देखो वो है, पॉलिटिशन नाल अधिकारी दी गंढ संड है। असीं कहिंदे आ वी IAS अफसर है ते सुतंत्र ने, बड़े बड़ी स्वतंत्र संविधान में IPS IAS नूं दित्ती है, जजां नूं दित्ती है, परंतु सारे वो जिहड़े ने पॉलिटिशन दे नाल एक गंढ संड करके प्रजा की लुट सुट कर रहे हैं। वो कहिंदे ठीक है, इहदे नाल पॉलिटिशन दे नाल अधिकारी दे नाल अगली चीज जिहड़ी जुड़ गई है, कहिंदे धार्मिक जिहड़े लीडर सन वो जुड़ गए। मानस खाने करे निवाज श्री गायन तीन गलता, तीन कर ब्राह्मण पूरे नाग, उन्हें भी आवे ओई साध, प्रजा का खून पीन का स्वाद उन्होंने भी लग गया है, तिना उन्हें भी आवे कूड़ी रास, कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे हार, श्रम धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। यही स्थिति, ये पुरानी स्थिति समझ के इसनों असी निगलैक्ट नहीं कर सकते। ये व्यवस्था जी है अज भी है, सारे समाजों में है, सारे पासे विद्वान है, इस करके आसा की वार होर विवेकपूर्वक ज्यादा पढ़न की लोड़ है, इन बहुत पढ़न की लोड़ है। कदे कदे पूछ लेने बाणी की अज रेलेवेंस की है, तुसी देखो तो सही ना व्यवस्था थोड़ी, बंदा बदल गया, जिस जिहो जिहा बंदा गुरु नानक साहब के सामने से ओहो जिहा अज है, तो हजारों साल ओहो जिहा बंदा काम करो लोह मोह अहंकार का भरिया रहेगा। काम क्रोध लो मोहकार दारू बाणी है, बंदा बदल जाए तो बाणी की कोई लोड़ नहीं, मन लिया, परंतु बंदे दियां प्रवृत्तियां बदलनिया नहीं, तो बाणी की लोड़ रहनी है, आसा दी वार दी ते लोड़ रहेगी। फिर ये बाणी दे विच जिहड़ा पाखंड धर्म है ना, उहदा नहीं मानसिक तौर पर गुलाम हाँ, अपने आप नूं बड़े धार्मिक, बड़े बड़े पवित्र धार्मिक व्यक्ति बनते हैं, मानसिकता गुलाम है। ये छोटी मोटी गल नहीं, जिन्होंने असी कौम के जथेदार बनाया हुआ, तो देख लो कि उन्होंने मानसिकता कितनी गुलाम है। छोटे मोटे की गल बेचारे की, एक ग्रंथी सिंह की गल की करांगे, वो तो प्रधान जी सवार ने, सैकटरी आके सवार है, असी सारे एक पासे हैं, उन्होंने समझते हैं एक तुच्छ जा छोटा जा मुलाजम है, परंतु जिन्होंने असी वे वे धर्म के लीडर भी बना रख्या है, तुसी देखो उन्हां दी मानसिकता कितनी गुलाम है। वो जिहड़ी गुलाम मानसिकता है, उहदा एक चित्रण गुरु जी ने किया है, गौ ब्राह्मण कौ कर लाओ, एक कहानी जुड़ी हुई है नाले दे। सुल्तानपुर गुरु जी की देखते ने, वेई नदी पार करनी है, पुल है, मुसलमानी शासन है, इस करके जे गऊ ने पुल पार करना है, गऊ हिंदू वास्ते पवित्र है, उहनूं टैक्स देना पैना है। टैक्स लैन वाला कौन है? खत्री। अधिकारी कौन है? खत्री है। ब्राह्मण गऊ लैके आया ते उन्हें क्या रुक जा भाई, टैक्स देना पवेगा। ब्राह्मण पार पुल पार किते, ब्राह्मण ते भी टैक्स, उहदे धर्म ते भी टैक्स, गऊ ते भी टैक्स। गुरु जी ने वेख्या कि गऊ पार कर रही है वेई नदी, पुल ते खड़ोते अधिकारी जिहड़ा खत्री है, उसने टैक्स लिया, ब्राह्मण तो टैक्स लिया, ते जिहड़ा ब्राह्मण जिहड़ा गऊ लैके जा रहा है उहदे कोल पैसे नहीं हन जेब च, कहिंदा मैं इत्थे गऊ बन्ह देना वा, घरों जाके पैसे लैव, मेरी जेब च कुछ नहीं,
घर गया तो गऊ बजी रही उत्थे उन्हें गोबर कर दिता ते टैक्स दे के ब्राह्मण अपनी गऊ लै गया ते खत्री ने की किया कि वह गोबर चुक के भी घर चौंका साफ करना है ते ये गां दा गोबर है ते घर लै जाना। गुरु जी ने सारी क्रिया वेखी फिर उन्होंने उच्चारण किया गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन ना जाई ये गोहे नाल तेरी कल्याण हो जाएगी। तू अपने जिन्हां दी रक्षा की जिम्मेवारी सी तेनू शास्त्र ने दित्ती हुई तेनू शास्त्र ने कहा कि तू छत्री है आर्या लोगों का वैदिक लोगों का रक्षक है वेद के धर्म की तू रखवाली करनी कहते तू उन्होंने टैक्स ला रहा है एक पासे तू भेटा देना ब्राह्मण नू एक पासे उत्ते टैक्स लाने कहते कि ये गोहा जिहड़ा है इहदे नाल तर जाएगा धोती टिक्का तै जप माली तान मलेछां खाई चेन चक्कर सारे धर्म के तेरे हिंदुआं वाले ते तान तू जिहड़ा है मलेछां दा इत्थे मलेश का मतलब मुसलमान नहीं है इत्थे मलेश वो शासक है जिहड़ा प्रजा का खून पी रहा जिहनूं बाणी च असीं कहिंदे राजेशी मुकदम कुत्ते जायज गायन बैठे सुते चाकर नहिंदा पायन घाओ रत पित कुत्ते चट जाओ ये उन्हां दी गल है वह मलेश ने। अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका पाए छोटी ले पाखंडा ना यह पखंड छड़ दे अंदर होर बार होर अंदर बह के पूजा करनी है घंटियां बजानिया ने ते बार जरा है दरबार विच प्रवान होन वास्ते तू नील बस्त्र पहन के भी चला जाएगा और सारे अपने धर्म के सिंबल छड़ के तेरी भाषा भी जी उत्थे बदल जाएगी घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी ये जरा पखंड धर्म गुरु जी दे वेले मौजूद सी जरा अज भी है और हर समाज विच है उहदा निखेध किया है सूतक का निखेध किया है कि किसी दे छू जाण नाल या किसी दे जम्मण मरण नाल कोई ऐसी घटना नहीं हो जाती कि बड़ा वातावरण दूषित हो जाता है या अपवित्र हो जाता है। उन्होंने कहा जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर आ जिहड़ी सुचम जी असीं लै के बैठे हाँ वह कहिंदे की करोगे जे तुसीं गोबर है उहदियां पाथियां जलाओगे उस वेले इही साधन से कहिंदे उहदे विच भी जीव ने और लकड़ी दे अंदर भी कीड़ा है जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई कोई अनाज का दाना भी ऐसा नहीं है जो जीव नहीं है आप ही जीव है उहदे विच जीव ने की होना है। पहला पानी जियो है जे तहरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोए नानक सूतक एवना सूत उतरै ज्ञान उतारै तोए। हुण सूतक है किहड़ा कहिंदे मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ मन का सूतक की है लोभ ते जुबान का सूतक की है कहिंदे कूड़ अखी सूतक वेखना परत्रिया परतन रूप प्राय धनम वल ललचाई दृष्टि ना देखना पर इसत्री वल माड़ी नजर ना देखना कहिंदे यह सूतक है अखां दा कन्नी सूतक कन्न पै ला इतवारी खाए निंदिया चुगली सुनना कन्ना दा सूतक है नानक हंसा आदमी हंस वर्गा पवित्र बंदा है बद्दा जमपुरी जाए किथे ते ए इतना परम पवित्र सी कि इसने रब दे दरबार विच प्रभु जी विच जा मिलना सी दरबार च की जाना साडे विधान विच ते जिथों निकलिया उत्थे ही समाजना है प्रभु जी ते किथे ए बद्दा होया जमपुरी विच जा रहा अपने दुर्गुणा दे करके। तो ये निखेध किया गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने। इस तरह जनेऊ पहन के ही कोई धार्मिक व्यक्ति हो जाता है यह नहीं कि किसी धर्म की मर्यादा उत्ते कटाक्ष है। मैं सोचा कि मैं खंडे बाटे का अमृत छक के ते सिख बन गया तो यह ओहो जे वहम है जिवें लोग समझते सन कि जनेऊ ब्राह्मण ने पहना दिता तो वह हिंदू हो गया क्योंकि साढ़े विचों भी बड़े असी अमृतधारी है अमृत छकया खंडे बाटे का इको बाटे ने मूह ला के भी छकया प्रसाद भी इको बाटे छकया। तो जे बच्चे का विआह करना हो तो फिर पहले पुछते हैं जात की तुहाडी गलबात अगे तां चलेगी ना जे जात है गल्लां बातां विच ते असी बड़े चंगे हाँ गल्लियां असी चंगियां आचारी बुरियां गल्लां बातां विच ते असी सब जाति दे सब धर्म दे भेदभाव खत्म करके ते मानस की जान सब है एक है पहचान बोधे बड़ियां बड़ियां असी डींगा मारदे हां ते ये साडे एडे एडे सिद्धांत ते साडा इतना उच्चा इखलाक रती विच मिट्टी च उदों मिल जाता है जदों असी कह दिंदे हां कि हाँ जी तेरी जात की है जात तो बिना अगे गल नहीं चलनी। सब तो पहली गल की है जात की है पहला ये नहीं पुछया तुहाडा बच्चा तुहाडी बच्ची योग किन्ने ने
ये पूछा योग्यता सब तो पहली है जात। तो ए इस किस्म का गुरु महाराज जी ने जेड़ा ये जनेऊ ते कटाक्ष किया है दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट ये जनेऊ जी का है ही था पांडे का ना है टुटे ना मल लगे ना है जलन जाए तन समान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलनाया बै चौंकै पाया सिखा कन्न चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ना ओ मुआ चढ़ पाया वे तगा गया। ठीक इस तरह ओ व्यक्ति बे अमरतिया ही गया है जिसने पांच ककार ते पहने परंतु ना वो को जात है ना वो संतोख है ना वो सत है। जी का जनेऊ जिदे को नहीं जिदे को जी का अमृत नहीं है ये नहीं कि खंडे बाटे का अमृत नहीं छकना खंडे बाटे का अमृत यह तो अमृत की दात प्राप्त करने का रस्ता है। असल अमृत से जत सत संतोख सी सदाचार सी कहते जे ये नहीं जेड़ा जी का जनेऊ है वह नहीं साढ़े को भी साड़ी समस्या एक जी का अमृत नहीं है। अमृत जेड़ा है वह बारला बारला असी एक भेख में ही अमृत समझ लग गए। तो गुरु जी का यह उपदेश जेड़ा है आसा की वार का एक सर्वसांझा उपदेश है। इनू इस तरह ना समझना कि यह साढ़े वास्ते दूजे वास्ते है तो साढ़े वास्ते नहीं। मानवी जेड़े सदगुण ने उन्हां दी भी बड़ी प्रेरणा मिलती है अहंकार नूं छड़ के निम्रता धारण करने की प्रेरता है। सिमल रुखसराय दा अत दीर्घ अत मुच्छ होए जे आवें आसकार जाए निरासे के ऐसे ऐसे कीमती अनमोल बचन इस आसा की वार विच हन। एक पासे इहदे विच रब दा अमृत नाम है प्रभु दा जस है प्रभु दी महिमा है दूजे पासे कर्मकांड दा निखेध है तीजे पासे धर्म की सच्ची मर्यादा की है। ये सारिया चीज़ां दा सुमेल जिहड़ा है बड़ा सुंदर सुमेल वो आसा की वार विच होया है। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह हजूर कृपा करन समां जिहड़ा है हो गया शायद ज़्यादा ही लै लिया हो बड़ी खुल दिली नाल इन्हां मैनूं 15 मिनट वध ही दित्ते सन प्रधान जी ने क्योंकि मेरे नाल प्यार है इन्हां दा तो मेरे गुनाह नूं माफ़ करदे ने। तो मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवादी हाँ समां समाप्त होया है। गुरु महाराज कृपा करन कि जिहो जिहा आचार विहार आसा दी वार विच आया है इहदा किनका मात्र सानूं प्राप्त हो जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। धन्नवाद डॉक्टर भजन सिंह जी आप जी ने आसा की वार दो लैक्चरां विच ते कदी असी अपने जरा सुरत नूं थोड़ा जिहा चार्ज करिए तो लगता ही है कि जिहड़ी 500 साल पहले गुरु नानक साहब ने आसा की वार दे विच उदों दे धार्मिक समाजक राजनीतिक समाज का चित्रण किया है वह अज भी असी देख रहे हैं और अज ही वही बुराइयां ते लगता जिवें साढ़े सामने गुरु नानक साहब सानू कह रहे होन कि गल सारी अवेयरनैस दी कीती है गुरबिर गौर अंधार तो जिहड़ी गल शुरू हुई और ये अंधेरे दी जिथे भी गल गुरबाणी च अज्ञानता दी गल है। तो सुकरात ने कहा सी ना कि जरूरत सिर्फ ज्ञान प्राप्त करन दी नहीं है जरूरत अज्ञानता दूर करन दी भी है। तो असी जिहड़ी अज्ञानता दा अंधेरा है उस दे उत्ते असी खास ध्यान देना है जिवें डॉक्टर साहब ने गल कीती है उन्हें कि रईयत की जिहड़ी गल है जिहड़ा राज है वह साढ़े करके वह होंदे ने असी अवेयर होइए तो जिहड़े असी अपने रिप्रजेंटेटिव उत्ते भेजदे हाँ वह ज्ञान वाले जरूर होणगे। गुरु नानक ने तो एक ऐसे मनुख की कल्पना की सी कि जिस दी रोज दिनचर्या जिहड़ी है वह आदर्श होए और मैं समझदा कि आसा की वार दे विच सानू सारा चित्रण मिलता है।